गुड आफ्टरनून। सो टुडे वी विल स्टार्टिंग विद द फर्दर पार्ट। सेटअप कॉस्ट वाज फाउंड आउट फॉर अलोकेटेड सेल्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी फाउंड आउट फॉर नॉन अलोकेटेड सेल्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट अनअलोकेटेड सेल व्हिच यू कैन सी इन द टेबल। अलोकेटेड सेल पूछा मैंने, 1 2 1 2 करेक्ट। सो इफ आई राइट द इक्वेशन फॉर दिस व्हाट आई विल राइट, u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6 करेक्ट। ओके देखो इसके सामने u1 है, इसके नीचे v2 है। सो कैन आई राइट इक्वेशन u1 प्लस v2 इज इक्वल टू 6। ये लिख सकता हूं बट लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग सेटअप कॉस्ट। हम लोग को अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला ये है, डेल्टा 1 2। देखो करना वही है u1 प्लस v2, बट यहां पर आपको करना है माइनस कॉस्ट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो माइनस कॉस्ट मींस माइनस 6, माइनस ये जो नंबर रहेगा वो माइनस करना है। सो इट विल बी 0 प्लस 1 माइनस 6। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी माइनस 5। नाउ टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट अनअलोकेटेड सेल। 1 3 1 3। सो कैन यू टेल मी द आंसर ऑल्सो फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। माइनस 9 इज द परफेक्ट आंसर। देखो ये 8 के करस्पॉन्डिंग, दिस 8, ये 8 के करस्पॉन्डिंग में यू क्या है 0 है, वी क्या है माइनस 1 है। तो u1 प्लस v3 विल गिव यू -1, -1 -8 विल गिव यू -9। सो आई विल राइट डाउन -9 हियर। व्हाट इज द नेक्स्ट अनअलोकेटेड सेल? 2 1 2 1। अच्छा ये जरूरी नहीं कि आपको लाइन से जाना है, आप रैंडमली भी जा सकते हो, बट लाइन से जाओगे तो कुछ मिसिंग होने के चांस कम है। अभी सपोज रैंडमली गए को एक छोड़ दिए तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हम लोग लाइन से जा रहे हैं। सो नेक्स्ट सेल इज 2 1। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट दिस सेल? -3। 0 प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, परफेक्ट आंसर। सो सिमिलरली आई विल गो फॉर अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आई विल गेट दिस एज माई आंसर। सो प्लीज यू ऑल ऑल्सो ट्राई एंड टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नो। सर राइट है, राइट है सर, राइट है। सो वी वर हियर वेर इन वी हैव फाउंड आउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल नॉन अलोकेटेड सेल्स। नाउ जस्ट एम्फोसाइज ऑन दिस वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। What do you mean by opportunity? चलो मुझे ये बताओ, what do you mean by opportunity? मौका, मौका, बराबर। So now just observe the value. मुझे ये value का answer क्या मिल रहा है? -5. So opportunity मेरी -5 की है। -5 मतलब अगर मैं इस सेल को allocate करूंगा तो मेरा 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, इसका मतलब ये हो रहा है। लॉजिक समझ में आया आप? What do you mean by -5? -5 मतलब वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर नेगेटिव अपॉर्चुनिटी है। कि अगर आप वहां पर अलोकेट कर दोगे तो यू विल हैव अ लॉस ऑफ -5। तो आप अलोकेट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ यू गो फॉर डेल्टा 1 3 1 3 पे क्या बोल रहा है, द अपॉर्चुनिटी इज -9। -9 मतलब अगर वहां पर आपने अलोकेट किया या वहां पर आपने सप्लाई किया तो यू विल हैव एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 9 रुपीज। अपॉर्चुनिटी तो भूल जाओ, 9 रुपए एक्स्ट्रा घुस जाएंगे। सो विल यू अलोकेट देयर? नो। अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ माइनस? माइनस क्यों आ रहा है, वो माइनस का क्या मतलब है? यस सर, गॉट इट। ओके सो ऊपर देखो हेडिंग में क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ पर मेरे को कुछ मिल रहा है तो ही तो मेरे को अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, यहाँ पर तो मेरे को माइनस में जा रहा है, माइनस मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिमिलरली फॉर दिस इट इज -3, दैट मींस नो अपॉर्चुनिटी। हियर ऑल्सो -3, नो अपॉर्चुनिटी। हियर इट इज 0। 0 मींस यहाँ पर करोगे नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी सेम। It is not plus also, it is not minus also, it is same. And similarly for last one is -3. So now what will be my conclusion? My conclusion will be by looking at opportunity cost, I am not finding any opportunity for further minimization. What will be my statement? After looking at the opportunity cost, there is no further minimization possible. As all the values of delta are either negative or zero. अगर पॉजिटिव होता तो बात अलग थी, वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी है, बट इस सब में अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो व्हाट आई विल राइट, एज ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर आइदर नेगेटिव और जीरो, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। मतलब जो हमने फाइंड किए थे फर्स्ट स्टेप में वही परफेक्ट आंसर है, उसके अलावा उससे और कम नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज नो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। सो आई विल राइट एज ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर नेगेटिव और जीरो, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड द फाइनल। देखो नाउ मेरा स्टेटमेंट चेंज हो गया, नाउ आई रिटर्न टोटल मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम लिख दिया हूँ, मिनिमम मत पढ़ो उसको, मिनिमम ही पढ़ो। इट इज टोटल मिनिमम कॉस्ट इज 209। पहले मैंने सिर्फ क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द ऑप्टिमेलिटी और आफ्टर चेकिंग द ऑप्टिमेलिटी वी सी दैट देर इज नो फर्दर रिडक्शन पॉसिबल
एंड इफ देर इज नो फर्दर डिडक्शन पॉसिबल द सेम विल बी द टोटल मिनिमम कॉस्ट. अंडरस्टूड द एंटायर प्रॉब्लम? यस सर. ये डेल्टा 31 में जीरो आया मतलब ये लॉजिकली कैसे मतलब पॉसिबल है क्योंकि दिख रहा है ना कि ज्यादा है. डेल्टा 31 में मतलब अगर फर्स्ट कस्टमर थर्ड वेयरहाउस से मंगा रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट उसका 7 पड़ रहा है राइट. ठीक है मतलब मैथमेटिकल तो जीरो आ रहा है मगर लॉजिकली कैसे पॉसिबल है. ओके ओके चलो मैं बताता हूँ लॉजिकली बट वो मेरे नेक्स्ट प्रॉब्लम में था बट ठीक है तूने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर. ओके उसने क्या बोला है अगर तुमने 31 पे अलोकेट किए 31 मतलब यहाँ पर अलोकेशन चाहिए बराबर ये वाले सेल पे. हाँ तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 अलोकेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली है नहीं सपोज मैं अलोकेट कर रहा हूँ तो अगर मैंने यहाँ पर अलोकेट किया तो मुझे यहां से कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को टोटल तो सेम रखना है ना पूरे रो का. हाँ सर बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं बैलेंसिंग फिलहाल यहाँ नहीं कर रहा हूँ. अब क्यों यहाँ नहीं कर रहा हूँ वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताऊंगा. मैं बैलेंसिंग यहाँ कर रहा हूँ ये 4 को मैंने 3 कर दिया ठीक है बराबर. हाँ सर क्योंकि देखो टोटल क्या चाहिए था 17 चाहिए था इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता जो उसका टोटल है वो तो टोटल मेंटेन रखना पड़ेगा. तो अगर मैंने यहाँ पर 1 किया तो यहाँ पर मेरे को 3 करना पड़ेगा. अब अगर मैंने यहाँ 3 किया मतलब मैंने यहाँ से 1 कम किया तो मुझे अब इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा ये कॉलम का. समझ में आ रहा है अब ये कॉलम का बैलेंस बिगड़ गया ना लास्ट वाले कॉलम का. तो अब इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगर मैंने यहाँ पर इस कॉलम में कम किया हूँ तो मुझे यहाँ पर या तो 9 को बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर ये 5 को बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द बैलेंस. लेट अस अज्यूम दैट मैंने ये 5 को 6 कर दिया बैलेंस करने के लिए. अब बैलेंस हो गया ये कॉलम. ओके अब जैसे ही मैंने इसको 6 किया कौन सी रो इम्बैलेंस हो गई? फर्स्ट रो इम्बैलेंस हो गई मतलब अगर मैं यहाँ पर बढ़ाया हूँ तो मुझे ये ऑप्शन कम करना पड़ेगा 14 करना पड़ेगा. हाँ अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया ये 14 किया तो यहाँ से 1 कम हुआ था नीचे 1 अपन ने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं तो अब मेरा पूरा प्रॉब्लम बैलेंस है फिर से. हाँ सर. ओके नाउ यू कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट एज पर दिस न्यू अलॉटमेंट करके दिखाओ मेरे को क्या करोगे. 14 × 3 प्लस 6 × 5 प्लस 19 × 1 9 × 5 1 × 7 3 × 13 एंड 9 × 3 टोटल करो. 209 सेम आ रहा है. हाँ समझा अभी जीरो का. हाँ, जीरो का मतलब क्या है तुम वहां अलोकेट कर भी दोगे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो. समझ में आया अब लॉजिक? ओके. हाँ अब मैंने यहाँ पर अलोकेट करा 31 पे मैंने अलोकेट किया तो मेरा कोई ऑप्टिमम चेंज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर बताया था कि अपॉर्चुनिटी है नहीं. अब जैसे तुमने यहाँ किए फॉर योर होम प्रैक्टिस किसी भी एक जगह पे करके देखो सपोज इसको करके देखना Δ12 को. Δ12 को करोगे मतलब यहाँ पर एक यूनिट अलोकेट करके देखना यू विल गारंटी गेट आंसर. 209 का कितना हो जाएगा आंसर क्या आना चाहिए? 214 आएगा आंसर. आप लोग चेक करके देख लेना. हाँ सर. एक यूनिट भी इधर का उधर किया तो पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा. वेरी गुड क्वेश्चन. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. सर वो जो U1 की वैल्यू जो अज्यूम की है 0 अगर वो 10 अज्यूम करेंगे तो सब अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव हो जाएंगी? नहीं होगी क्योंकि U1 10 प्लस 1 वो हो जाएगा 11 11 माइनस 6 U1 अगर 10 होएगा तो V3 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा V1. यस सर. अगर U1 10 होगा तो V1 भी तो 3 नहीं होगा ना. V1 -7 हो जाएगा. यस सर ठीक है इसलिए वहां पर कोई भी वैल्यू यूज कर सकते. होप यू हैव एंजॉयड टुडे. थैंक यू सर.